नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू लड़की को फेसबुक के जरिए दोस्ती कर धर्म परिवर्तन कराया गया है। युवती ने आरोप लगाया कि पहले राजू मिश्रा बनकर राशिद खान ने पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया। जब युवती ने विरोध किया तो उसे गुजरात के उधना मजार में ले जाकर धर्म परिवर्तन कराया। वहीं युवती से राशिद खान के घर वालों ने राशिद के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर लगभग 5 लाख रुपये धीरे धीरे कर वसूल लिए। लड़की लोक लज्जा के भय से पैसे देती रही। जब इस बारे में लड़की के घर वालों को जानकारी हुई तो लड़की के घर वालों ने लड़की पर लगाम लगाया, लेकिन आरोपी ने फिर लड़की को अश्लील फोटो भेजकर उसे ब्लैकमेल कर गुजरात ले जाकर मजार के मौलवी ने धर्मांतरण कराया। पीड़िता राजू मिश्रा उर्फ राशिद खान के अत्याचार से अजीज आकर खखरेडू पुलिस को शिकायती पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने पीड़िता को डांट फटकार लगाकर उसे थाने से भगा दिया। तब महंत के साथ खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी के ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई। तब खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी ने जांच का हवाला देकर फिर तड़का दिया। महंत गणेश दास ने आज फतेहपुर कलेक्ट्रेट के सामने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्यवाही नहीं करती तो मुख्यमंत्री से मिलकर कार्यवाही के लिए मांग करेंगे। सनातन धर्म में किसी बेटी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और ऐसे लव जिहाद कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए उन्हें कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे। हालांकि इस मामले में एसपी से बात करनी चाहिए तो वह कुछ भी कहने से इनकार कर दिए और अब फोन तक नहीं उठा रहे हैं। और आप लोगों को बताते चले कि पीड़िता के मोबाइल फोन पर राशिद खान ने कई लोगों से फोन पर धमकी भरे फोन आए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग पीड़िता के मोबाइल पर है। और महंत पंडित विजय कुमार शर्मा भावुक हो गए और आंसू पोंछते महंत पंडित विजय कुमार शर्मा उर्फ गणेश दास महाराज ने कहा है कि लड़की थाना तभी जाएगी जब मुकदमा दर्ज कर राशिद खान को गिरफ्तार पुलिस कर लेगी। आए सुने क्या कहा महंत पंडित विजय कुमार शर्मा उर्फ गणेश दास महाराज और पीड़ित लड़की ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। आजादी से लेकर आज तक जिस विषय में मैं प्रकाश डाल रहा हूं वह है लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना, प्रेम प्रसंग में फंसा करके नाम को बदल करके धर्म परिवर्तन कराना। सनातन धर्म ने, पुरातन धर्म ने कभी किसी धर्मावलंबियों का धर्म परिवर्तन कभी नहीं कराया। संभव हो सकता है कि सभी धर्म के लोग सुख और शांति से रह सके, लेकिन आज हमारी पीड़ा और वेदना ये है कि हमारे बगल में दुनिया बैठी हुई है, इसको प्रेम प्रसंग में फंसा कर कुछ लोगों ने इसको लव जिहाद का नाम दिया। मैं कहना चाहता हूं कि ये लव जिहाद, ये आताताइयों का क्या, ये आताताइयों का जिहाद है। लव का मतलब होता है प्रेम। प्रेम किसी का कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराता, अपितु अपने अपने धर्म में रह करके संबंधों को चलाना ही प्रेम कहता है। तो इसको लव जिहाद नहीं है, ये धर्म परिवर्तन जिहाद है। इसको मैं नया नाम देता हूँ, धर्म परिवर्तन जिहाद। हमारे पूरे भारत गलाते हैं, हमारा इतना बड़ा धर्म है, लगभग 100 करोड़ सनातन धर्म के अनुयायी यहाँ भारत में रहते हैं, और जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है वहाँ थोड़ी बहुत गरीबी अमीरी हर कम्युनिटी में रहती है। आप लालच देते हैं और लालच देने के बाद आप धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनका अपने धर्म में कन्वर्जन कराते हैं। क्या ये बर्दाश्त करने लायक है? दोस्ती किस नाम से हुई थी? दोस्ती मेरी उसकी, जब मेरी उसकी दोस्ती थी उसका नाम था राजू। बाद में 15-20 दिन बाद पता चला, मेरे साथ जब दुष्कर्म हुआ तब पता चला कि ये मुस्लिम है, लेकिन फिर मैं कहीं जाने लायक ही नहीं थी ना, सब कुछ हो गया था, तो फिर मैं भी डर गई। इमोशनल की बात सामने आ रही थी। हाँ, फिर उसके बाद मेरे को
परिवर्तन करवाया, बोला कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते आप, पहले निकाह का पुत्र और धर्म पत्नी में तो हमारे बच्चों में कब शादी होगी। फिर मेरी तो मजबूरी थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था उस वक्त, फिर उसने मेरा घर 3 महीने का बच्चा को बात करवा करके निकाह के 10 से 15 दिन पहले करके सूरत में मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। वहाँ ना मेरे पास खाने के पैसे थे, ना रहने का ठिकाना था, रूम पानी भाड़ा भी बांध के आता था, भाड़ा भी रूम का बांध के था 2 महीने से। उसके बाद में फिर मैं वहाँ से किसी तरीके 5-6 रुपये लेकर के गाँव आई। मैं घरेलू थाना से लेकर सी ओ खागा मार एस पी फतेहपुर यहाँ आई, यहाँ से मेरे को सी ओ उसके पास भेजा जा रहा था, मेरे को थाने भेजना, थाने वाले मेरे को वापस गुजरात क्षेत्र में, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं लगभग 20-22 फरवरी से छुट्टा हूँ। क्या नाम है?